Hello everyone. So today's my topic is ki how we configure router as a DHCP server. कैसे हम एक router को DHCP server जैसे treat करा सकते हैं. Okay? So मैंने यहाँ पे Cisco packet dresser software open करा है and I want one router and one switch. And four PC. PC one, PC two. PC 3 एंड PC 4, ओके. एंड अब मैं इसे एक केबल से कनेक्ट कर दे रही हूँ. ओके, सो मुझे ये जो मेरा राउटर है इसे मुझे क्या बनाना है, डीएससीपी बनाना है यहाँ पे. ठीक है, सपोज ये मेरे कंपनी का, मेरे ऑफिस का क्या है कि डीएससीपी सर्वर है. सो मुझे जिसे भी डीएससीपी सर्वर इनेबल करना है, जिस भी राउटर पे, उस पे सबसे पहले हम एक स्टैटिक आईपी प्रोवाइड करते हैं उसे. ओके, सो मैंने राउटर को ओपन कर लिया है एंड नाउ आई हैव टू टाइप योर नो. एंड अब यहाँ पे मेरा राउटर जो है वो ओपन हो चुका है एंड इनेबल. एंड कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे हम. सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल. ओके, सो नाउ आई हैव टू गिव हियर आईपी एड्रेस. सो व्हाट इज कमांड, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0. ओके, सो फास्ट इथरनेट 0/0 कैसे चेक करेंगे हम, यहाँ पे आके आप देख सकते हो. देखो आपका राउटर फास्ट इथरनेट 0/0 से कनेक्ट है. ओके, सो मैंने यहाँ पे कमांड टाइप करा फास्ट इथरनेट 0/0. ओके, एंड मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस देती हूँ अपने राउटर को. सो आई वांट टू गिव आईपी एड्रेस 192.168.10.1. ओके, एंड मास्क .0. एंड ओके, नो शटडाउन एंड एग्जिट. सो मैंने यहाँ पे अपने राउटर को, अपने डीएससीपी सर्वर को एक आईपी दे दी. ओके, सो फर्स्ट आई हैव टू चेक कि आईपी एड्रेस इसे मिला है कि नहीं मिला. ओके, सो व्हाट्स द कमांड, एग्जिट शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ. ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये फास्ट इथरनेट 0/0 है. इसे क्या आईपी मिली है, 192.168.10.1. एंड इसका स्टेटस क्या है, अप है. एंड प्रोटोकॉल स्टेटस भी अप है, इट मींस इसे आईपी मिल चुकी है. सो अब हमें बनाना है इस, हमें इस राउटर को, मुझे इस राउटर को क्या है, डीएससीपी सर्विस इसमें इनेबल करनी है. ओके, मींस डीएससीपी सर्वर का हमें कमांड इसके अंदर इनेबल करना होगा. सो क्या कमांड होती है डीएससीपी सर्वर के लिए, सो अगेन कॉन्फिग टी, कॉन्फिगर टर्मिनल के अंदर जाएंगे हम, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हैं. एंड कमांड होती है आईपी डीएससीपी पुल. ओके, यहाँ पे हम एक पुल क्रिएट करते हैं. पुल नेम आप ऐसे देख सकते हो शिफ्ट क्वेश्चन मार्क से, यहाँ पे क्या यहाँ पे बोल रहा है, पुल नेम. सो जो मैंने यहाँ पे पुल क्रिएट करा है, मुझे उसका एक कोई भी, आप कोई भी नाम दे सकते हो यहाँ पे. ठीक है, सो मैं पुल वन के नेम से ले रही हूँ यहाँ पे. एंड मैंने एंटर करा एंड यहाँ पे मुझे नेटवर्क डिफाइन करना होगा. सो व्हाट माय नेटवर्क, 192.168.10.0. ओके, एंड मास्क. ओके, एंड नाउ डीएनएस यहाँ पे हम देते हैं. ठीक है, डीएनएस सर्वर क्या है मेरी कंपनी का, सपोज 1.1.1.2 एंड डिफॉल्ट गेटवे हम सेट करेंगे यहाँ पे. सो 192.168.10.10 ये मैंने डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस एंड नेटवर्क पूरा सब सेट कर दिया. ओके, एंड मैं एग्जिट कर दूंगी. सो मैंने यहाँ पे डीएससीपी इनेबल कर दिया है. सो अब मैं अपने पीसी पे आके चेक करती हूँ कि क्या इसे डीएससीपी सर्वर ने इसे आईपी प्रोवाइड करा है. ओके, सो यहाँ पे हमें डीएससीपी चूज करना होगा. देखो, रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस, डीएससीपी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल. सो यहाँ पे मुझे क्या आईपी मिली है मेरे पीसी वन को, आईपी एड्रेस इसकी क्या है, 192.168.10.2. ओके, एंड सबनेट मास्क 255.255.255.0. एंड डिफॉल्ट गेटवे क्या मैंने वहां पे सेट करा था, 192.168.10.10. ओके, एंड डीएनएस सर्वर 1.1.1.1. सो मुझे एक डीएससीपी सर्वर से मेरे पीसी को एक आईपी मिल गई है. एंड वैसे मैं पीसी टू पे चेक कर लेती हूँ, अगेन डीएससीपी चूज करना है. ओके, आप यहाँ देखो इसे भी एक आईपी मिल गई है. क्या आईपी मिली है, 192.168.10.3. ओके, सो ऐसे अब मैं पीसी थ्री पे चेक कर लेती हूँ,
अगेन डीएससीपी चूज करेंगे, सो इसे भी एक आईपी प्रोवाइड हो गई है, ठीक है। आईपी से क्या मिली है, 192.168.10.4 एंड सबनेट मास्क डिफॉल्ट गेटवे एंड डीएनएस सर्वर। ओके एंड लास्ट वन में चेक कर लेते हैं पीसी 4 पे, देखो यहाँ पे इसे 10.5 मिला है। ओके 192.168.10.5, सो इट मीन्स हमें मेरे इस डीएससीपी सर्वर से जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है सबको आईपी मिल चुकी है। सो हम अपने डीएससीपी सर्वर, एक कमांड होती है वहां पे हम अपने डीएससीपी सर्वर पे जाके चेक कर सकते हैं कि मेरा जो डीएससीपी सर्वर है कितने डिवाइसेस को उसने ऑटोमेटिक आईपी प्रोवाइड करा। शो आईपी डीएससीपी बाइंडिंग। ओके अब आप देखो जो मैंने 4 पीसी जो मैंने कनेक्ट करे थे, क्या उसे यही सेम आईपी मिली थी 192.168.10.2 एंड हार्डवेयर एड्रेस मींस उसका मैक एड्रेस। ओके एंड टाइप इसे क्या मिल गई, ऑटोमेटिक, मींस डीएससीपी ने उसे ऑटोमेटिक आईपी प्रोवाइड करा। एंड ये जो था मेरे पीसी 2 का है, ओके 192.168.10.3 एंड ये उसका मैक एड्रेस है एंड ये टाइप में क्या है, ऑटोमेटिक। सो ऐसे यहाँ पे जितने भी पीसीज मेरे कनेक्ट होंगे, अभी मैंने बस 4 पीसी कनेक्ट करा है, सो सबको यहाँ पे क्या है, एक आईपी प्रोवाइड हो गई। ओके सो क्या कमांड होती है, शो आईपी डीएससीपी बाइंडिंग। इस कमांड से हम चेक कर सकते हैं कि डीएससीपी ने किसी आईपी प्रोवाइड करा। ओके सो अब मैं यहाँ पे, अगर आपको कुछ पूल जो मैंने बनाया है, कुछ कुछ आईपीज आपको रिजर्व करके रखना हो फॉर फ्यूचर के लिए, सो एक कमांड होती है जिससे मैं आईपी एक्सक्लूड कर सकती हूँ। ओके सो कॉन्फिग की अगेन हमें पुल में जाना होगा, आईपी डीएससीपी पुल एंड मैंने पुल का नेम दिया था पुल 1। ओके एंड ये आईपी डीएससीपी एक्सक्लूड कमांड। ओके एक्सक्लूड एड्रेस, सो आप यहाँ पे एक रेंज डिफाइन कर सकते हो कि आपको फ्यूचर के लिए किस रेंज से किस रेंज तक आईपी एक्सक्लूड करना है। ओके सो मैं यहाँ पे आप शिफ्ट क्वेश्चन मार्क की हेल्प से देखो, सो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, लो आईपी एड्रेस, मीन्स आपकी लो आईपी एड्रेस क्या है। सो मेरी लो आईपी एड्रेस है 192.168.10.2 एंड अगेन शिफ्ट क्वेश्चन मार्क हाई आईपी एड्रेस। ओके सो व्हाट इज माय हाई आईपी एड्रेस, 192.168.10. सपोज आई वांट टू गिव 10.100, मैं 10.2 से 10.100 तक की रेंज क्या कर रही हूँ, एक्सक्लूड कर रही हूँ। ओके सो एंटर एंड नाउ एग्जिट। अब अगेन मैं अपने पीसी पे जा रही एंड अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जो मैंने आईपी एक्सक्लूड करी थी उसके बाद से इसे आईपी मिलनी चाहिए। ओके देखो, ओके सो अब यहाँ पे क्या मिली है इसे, मैंने 100 तक आईपी एक्सक्लूड कर दिया था, सो यहाँ पे उसे आईपी एड्रेस किस रेंज से मिल रही है, 192.168.10.101। ओके अब अगेन सबनेट मास्क डिफॉल्ट गेटवे डीएनएस सर्वर सब सेम है एंड पीसी 2 पे हम चेक कर लेते हैं। अगेन हम स्टैटिक से डीएससीपी चूज करेंगे एंड आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी आईपी एड्रेस इसे क्या मिल रही है, 192.168.10.102। ओके एंड मैं पीसी 3 पे चेक कर लेती हूँ, आप यहाँ देखो 192.168.10.103 से आईपी मिली। ओके एंड डीएनएस सर्वर सबनेट मास्क डीएनएस सर्वर डिफॉल्ट गेटवे, ओके सब चीजें इसे मिल चुकी हैं। एंड लास्ट वन हम यहाँ पीसी 4 पे भी चेक कर लेते हैं, देखो इसे, ठीक है। सो मैंने कहाँ से कहाँ तक आईपी एक्सक्लूड करा था, 10.2 से 192.168.10.2 से 192.168.10.100 तक। सो उसके बाद की आईपी मुझे क्या कर रहा है, डीएससीपी प्रोवाइड कर रहा है। ओके सो अब यहाँ पे ये था मेरा कैसे हमें डीएससीपी को एक राउटर को एक डीएससीपी के जैसे ट्रीट करा सकते हैं। ओके सो अब हम यहाँ पे, अब आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे आपकी सारी आईपी पिंग हो रही होगी। ओके ठीक है, सक्सेस रेट 80% एंड अगेन आप एक बार करोगे तो सक्सेस रेट 100% आ जाएगा। ओके मींस सारी आईपी आपस में कम्युनिकेशन कर रही है।
सो आप सारे जितने भी आईपी थे आप सबको पिंग करके देख सकते हो. सो 10.3 को मैं पिंग कर रही एंड लास्ट वन इज 10.4. ओके, सो ये था लैब कैसे हम एक राउटर को डीएससीपी कॉन्फ़िगर करते हैं. सो नेक्स्ट लैब है मेरा क्या स्विच पे अब मुझे डीएससीपी इनेबल करना है. ओके, सो मैं यहाँ पे स्विच से मल्टी लेयर स्विच ले रही हूँ एंड आई हैव टू टेक पीसीज हियर, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 एंड PC6. मैंने यहाँ पे 6 पीसी लिए हैं. क्या मैं इसको केबल से कनेक्ट कर देती हूँ. तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने स्विच को ओपन कर रहा. मैं स्विच पे गई एंड CLI एंड अगेन मुझे स्विच पे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं ये दो दो पीसी जो है मेरे सबको मैं एक अलग अलग VLAN में डालूंगी. VLAN 10 एंड VLAN 20 एंड VLAN 30. यहाँ पे मुझे एक VLAN क्रिएट करना है VLAN 30. सो ये दो पीसी जो है मेरी VLAN 10 में होगी, ये दो जो पीसी है वो VLAN 20 में होगी एंड ये दो जो पीसी है वो VLAN 30 में होगा. ओके, सो अब मैं सबसे पहले अपने स्विच पे जाके एंड आप यहाँ पे इसके इंटरफेस देखो, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, फास्ट इथरनेट 0/6 तक कनेक्ट है. सो मैं अपने स्विच पे आई एंड इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गई. ओके, अब मुझे सबसे पहले सारे इंटरफेस को VLAN में डालना है. ठीक है, सो इंटरफेस में यहाँ पे रेंज कमांड यूज करी, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1-2. ओके, अब इसे मैं स्विच मोड एक्सेस VLAN 10, इसे मुझे VLAN 10 में कॉन्फ़िगर करना है. ओके एंड एग्जिट एंड अगेन मैं सेम प्रोसेस VLAN 20 के लिए करी. सो इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/3-4. ओके एंड स्विच मोड एक्सेस, ओके VLAN 20 एक्सिट एंड मैं सेम प्रोसेस VLAN 3 के लिए करूंगी. सो इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/4-5-6. ओके एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30 एंड एक्सिट. ओके, सो ये मैंने सारे VLAN 30, VLAN 20 एंड VLAN 10 मैंने यहाँ कॉन्फ़िगर कर दिया एंड अब मुझे सारे VLAN को आईपी एड्रेस देना है. ओके, सो इंटरफेस VLAN 10 आईपी एड्रेस 192.168.10.1. ओके एंड सबनेट मास्क 255.255.25.0. ओके एंड अगेन नो शटडाउन एग्जिट एंड अगेन मुझे VLAN 20 को आईपी देनी है. सो इंटरफेस VLAN 20 आईपी एड्रेस 192.168.20.1. ओके एंड सबनेट मास्क 255.255.255.0 एंड नो शटडाउन एंड एक्सिट. ओके एंड अगेन मुझे VLAN 30 के लिए देनी है. सो इंटरफेस VLAN 30 एंड आईपी एड्रेस 192.168.30.1. ओके एंड सबनेट मास्क नो शटडाउन एक्सिट. सो ये मैंने क्या करा, मैंने तीनों VLANs को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया. ओके एंड अब मुझे यहाँ पे इसके, अब मैं यहाँ पे सारे इंटरफेस पे मींस सारे मैं अपने मल्टी लेयर स्विच पे एक पुल क्रिएट करूंगी. सो कमांड इज आईपी डीएससीपी पुल एंड पुल नेम. सपोज पुल 1, मैंने पुल नेम लिया एंड नेटवर्क मुझे यहाँ डिफाइन करना है. सो
विलेन 10 का नेटवर्क क्या था 192.168.10.0 एंड सबनेट मास्क। एंड अब यहाँ पे मुझे डिफॉल्ट गेटवे मीन्स डिफॉल्ट राउटर सेट करना है। सो 192.168.10.10 सो ये डिफॉल्ट राउटर सेट हो गया एंड डीएनएस सर्वर मुझे सेट करना है। सो सपोज डीएनएस सर्वर है 1.1.1.1 ओके एंड एग्जिट। एंड सेम प्रोसेस मैं विलेन 20 के लिए भी कर लूंगी। सो आईपी डीएससीपी अगेन मैं एक पुल क्रिएट करूंगी। सो पुल का नाम यहाँ पे मैं दे रही हूँ पुल 2 एंड अगेन नेटवर्क में डिफाइन करूंगी। सो 192.168.20.0 ओके एंड 255.255.255.0 इसका सबनेट मास्क एंड डिफॉल्ट राउटर यहाँ पे मैं 192.168.20.10 यहाँ कॉन्फ़िगर करी एंड डीएनएस सर्वर 2.2.2.2 हो गया एक्सेस। एंड सेम मैं विलेन 30 के लिए भी सेम प्रोसेस सेम पूल में क्रिएट करी। सो आईपी डीएससीपी पूल एंड पूल नेम पूल 3 ओके एंड अगेन मैं यहाँ पे नेटवर्क डिफाइन करूंगी। सो 192.168.30.0 एंड 255.255.255.0 एंड अगेन डिफॉल्ट राउटर मुझे सेट करना है मीन्स डिफॉल्ट गेटवे सेट करना है ओके। सो 192.168.30.10 एंड डीएनएस सर्वर। सो डीएनएस सर्वर इज 3.3.3.3 ओके एंड एग्जिट। अब हम अपने पीसी पे आके चेक करते हैं कि मेरे पीसी को क्या आईपी मिली है डीएससीपी सर्वर के थ्रू। सो हम पीसी पे गए डेस्कटॉप पे गए एंड अगेन मुझे यहाँ पे डीएससीपी सेलेक्ट करना है एंड आप यहाँ पे देखो आईपी एड्रेस मुझे क्या मिल गया 192.168.10.2 ओके एंड उसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0 एंड मैंने क्या डिफॉल्ट गेटवे सेट करा था 192.168.10.10 एंड डीएनएस सर्वर इज 1.1.1.1 ओके। सो मुझे एक आईपी मिल गई है एंड अगेन मैं अपने पीसी 2 को चेक कर लेती हूँ। अगेन डीएससीपी देखो यहाँ पे उसे ठीक है सेम सीरीज की उसे आईपी मिल गई 192.168.10.3 एंड सबनेट मास्क डिफॉल्ट गेटवे जो मैंने सेट करा था डीएनएस सर्वर जो मैंने सेट करा था। एंड अब मैं विलेन 20 में पीसी 1 का चेक कर लेती हूँ क्योंकि ये डिफरेंट विलेन में अब इसे क्या आईपी मिली है। तो इसे 20 के सीरीज की आईपी मिली होगी ओके। तो 192.168.20.2 एंड सबनेट मास्क डिफॉल्ट गेटवे मैंने क्या सेट करा था 192.168.20.10 एंड डीएनएस सर्वर 2.2.2.2 सो ओके सारी चीजें इसे अवेलेबल हो गई हैं। एंड अगेन मैं अपने पीसी को चेक कर लेती हूँ अभी से मिली होगी 20.3 ओके 192.168.20.3। सो ऐसे ही मेरे अब मैं लास्ट विलेन 30 को भी चेक कर लेती हूँ। अब यहाँ देखो यहाँ 30.2 इसे मिली होगी ओके 192.168.30.2 एंड सबनेट मास्क इसका 255.255.255.0 एंड डिफॉल्ट गेटवे मैंने क्या सेट करा था 192.168.30.10 ओके जो मैंने सेट करा था वही उसने उसे प्रोवाइड करा है एंड डीएनएस सर्वर 3.3.3.3 एंड अगेन लास्ट पीसी डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन डीएससीपी सेलेक्ट करना है हमें एंड 30.3 ओके। सो ऐसे ही मुझे सारे पीसीज को जो मैंने मल्टी लेयर स्विच को जो मैंने डीएससीपी सर्वर इनेबल करा है सो डीएससीपी सर्वर ने मेरे जितने भी कनेक्टेड मेरे यहाँ पे डिवाइसेज हैं पीसी हैं सबको उसने एक आईपी प्रोवाइड कर दिया है ओके। सो ऐसे हम यहाँ पे मल्टी लेयर स्विच को डीएससीपी सर्वर के थ्रू एक्सेस करते हैं ओके। तो यहाँ पे ये मेरा लैब था मल्टी लेयर स्विच को कैसे हम एज अ डीएससीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं ओके। सो अब मेरा नेक्स्ट लेवल है कि हम कैसे मैनुअल बाइंडिंग करते हैं अपने राउटर पे। मैं एग्जिट कर रही हूँ एंड अब हम चलते हैं अपने यूएनएल सॉफ्टवेयर पे। सो मुझे यूएनएल की आईपी मिली हुई है 192.168.108 ओके। बाइंडिंग की लैब जीएनएस या पैकेट रेसर पे नहीं हो सकती इसलिए मैंने यूएनएल सॉफ्टवेयर ओपन करा है एंड ये मेरा यूएनएल ओपन हो गया एंड मैं यहाँ से नोड ऐड करती हूँ। सो मुझे यहाँ इस लैब के लिए मुझे एक राउटर चाहिए एंड एक पीसी चाहिए ओके। सो मैं यहाँ पे राउटर ले रही हूँ 3725 की
सेव। एंड एक और नोट मुझे चाहिए, पीसी चाहिए मुझे, तो मैं एक पीसी ऐड कर रही हूँ, एक्सपी विद विंडोज एक्सपी। यहाँ पे विंडोज एक्सपी ऑलरेडी सेलेक्ट है, ठीक है, सेव। अब मैं इसे कनेक्ट कर ले रही हूँ। ओके, सो मुझे एक राउटर एंड एक पीसी की नीड है स्लैब के लिए, मैनुअल बाइंडिंग करने के लिए, कि अगर मैं चाहती हूँ कि कोई एक मेरी आईपी फिक्स हो जाए, जो मुझे डीएससीपी सर्वर यही एक आईपी प्रोवाइड करे, सो ये लैब उसका है। मैनुअल बाइंडिंग हम कैसे करते हैं, सो मैं अपने राउटर को स्टार्ट कर रही हूँ, पीसी को स्टार्ट कर रही हूँ, ये स्टार्ट हो गया एंड ओपन। ओके नो, स्टार्ट हो रहा राउटर। ओके इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, एंड अगेन हम सबसे पहले अपने राउटर को एक आईपी दे देते हैं। सो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि हमारा क्या इंटरफेस है। सो फास्ट इथरनेट 0/0, ओके, एंड आईपी एड्रेस 192.168.10.1, ओके, 255.255.0, सबमिट मास्क, एंड अगेन नो शटडाउन, एग्जिट। ओके, सो अब हम चेक कर लेते हैं कि मेरे राउटर को आईपी मिली कि नहीं मिली। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड होती है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो फास्ट इथरनेट 0/0 को एक आईपी मिल गई है, एंड उसका स्टेटस क्या है, अप है, एंड प्रोटोकॉल स्टेटस भी अप है। ओके, एंड अब अगेन यहाँ पे मुझे डीएससीपी सर्वर इनेबल करने के लिए डीएससीपी सर्वर के कमांड यहाँ पे रन करने होंगे। सो आईपी डीएससीपी पुल, ओके, एंड अगेन पुल का नेम मैं पुल 5 ले लूँ। ओके, एंड अगेन यहाँ पे मुझे नेटवर्क डिफाइन करना होगा 192.168.10.0, ओके, एंड सबनेट मास्क .0, एंड डिफॉल्ट राउटर 192.168.10.10, एंड DNS। सो यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट गेटवे DNS एंड नेटवर्क यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है, एंड एक्सिट। ओके, सो अब मैं यहाँ पे आके अपने पीसी को चेक करती हूँ, नहीं अभी मुझे अपने राउटर पे ही अभी एक और कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो अब मुझे यहाँ पे मैनुअली बाइंडिंग करने के लिए मुझे अब यहाँ पे कमांड रन करना है। सो अगेन मैं एक पुल क्रिएट करूंगी, बट उस पुल का नेम जो होगा वो डिफरेंट होगा। ओके, सेम पुल के नेम हम नहीं रख सकते। जैसे यहाँ पे मैंने पुल 5 क्रिएट करा, सो यहाँ पे मैं पुल 5 नहीं ले रही, यहाँ पे पुल मैं पुल मैनुअल के नाम से एक पुल क्रिएट कर रही हूँ। ओके, सो अब आप यहाँ पे देखो एक कमांड होती है होस्ट। अब मुझे जो भी आईपी फिक्स करना है कि मुझे यही आईपी मुझे हमेशा डीएससीपी सर्वर प्रोवाइड करे, सो अब आप वहां पे वो आईपी दोगे 192.168.10. मुझे 10.100 ये आईपी मुझे फिक्स चाहिए कि जब भी मैं एक्वायर करूँ आईपी के लिए, सो मुझे डीएससीपी सर्वर हमेशा यही सेम आईपी दे। ओके, सो आप यहाँ पे इसका सबनेट मास्क हम टाइप कर देते हैं, ओके, एंड एंटर। एंड अब एक कमांड होती है क्लाइंट आइडेंटिफायर। ओके, अब आप यहाँ देखो क्लाइंट आइडेंटिफायर एंड शिफ्ट क्वेश्चन मार्क। आप यहाँ पे देखो ये इस फॉर्मेट में वो क्या बोल रहा है, मैक एड्रेस। सो यहाँ पे मुझे पीसी का मैक एड्रेस बाइंड करना है। सो मैं अपने पीसी पे गई एंड इसका मैं मैक एड्रेस देख लेती हूँ क्या है। सो ये सेम हमारा जैसे विंडोज एक्सपी है, सेम रियल यहाँ पे आप समझ लो ये पीसी है। ओके, सो हम स्टार्ट बटन पे गए एंड रन एंड कमांड एंड आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश ऑल। अब देखो यहाँ पे इसका फिजिकल एड्रेस यहाँ पे क्या इसे प्रोवाइड है, ये 50-00-00-02-00-00। ओके, सो मैं यहाँ पे एक नोटपैड पे इसे टाइप कर लेती हूँ।
cp-00-00-02-00-00, ओके सेम है। अब मुझे ये सेम जो है मैक एड्रेस अपने राउटर पे डिफाइन करना है, ओके सो मैं अपने राउटर पे आई, बट देखो मैक एड्रेस तो मुझे यही डिफाइन करना है, बट फॉर्मेट जो है उसका चेंज है, ओके ये किस फॉर्मेट में है, 50-00- इस फॉर्मेट में है, एंड मुझे ये क्या फॉर्मेट कह रहा है, ये इस फॉर्मेट में कह रहा है, मीन्स एंड देखो एंड उसके पहले यहाँ पे 01 जो होता है एक फिक्स वैल्यू होती है, उसके बाद ही हम यहाँ पे मैक एड्रेस बाइंड करते हैं, ओके मैक एड्रेस हम यहाँ पे टाइप करेंगे, सो मेरा मैक एड्रेस था 50 डॉट, देखो यहाँ पे इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, ओके इस फॉर्मेट में, एंड 01 जो होता है एक फिक्स वैल्यू होती है, जो भी हम यहाँ पे मैक एड्रेस टाइप करेंगे उसके आगे हमें 01 फिक्स है, मीन 01 टाइप करके करने के बाद ही हम मैक एड्रेस यहाँ पे टाइप करेंगे, ओके सो 4x0.02000.00, ओके सो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैक एड्रेस यहाँ पे मैंने पीसी का टाइप कर दिया, ओके देन एंटर एंड एग्जिट, एंड अब हमें यहाँ पे अपने पीसी पे जाके चेक करना है कि क्या मुझे यही सेम मैक जो मैंने आईपी दिया था, सो सेम मुझे जो मैंने आईपी यहाँ पे बाइंड करा था, सो सेम मुझे वो आईपी मेरे पीसी को वो आईपी मिली है कि नहीं मिली, ओके सो क्या कमांड होती है, आईपी कॉन्फिग स्पेस लेस, पहले हमें रिलीज करना होगा, ओके देखो तो फिर ओके रिलीज हो गई, एंड अगेन आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश रिन्यू कमांड टाइप करनी होगी, देखो यहाँ पे मेरी मुझे वो आईपी एड्रेस मिल गई जो मैंने मैन्युअली बाइंड करा था, मींस मुझे क्या आईपी एड्रेस मैंने वहां पे टाइप करा था 192.168.10.100, ओके सो अब मुझे जब भी मैं एक्वायर करूंगी मुझे यही सेम आईपी मिलेगी क्योंकि मैंने यहाँ पे मैन्युअली बाइंडिंग कर दिया था, सो ये मैं एक राउटर पे मैन्युअली बाइंडिंग कैसे कर सकती, सो मैंने वो सारी आपको इस लैब में बताई है सारी चीजें, एंड उसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0 एंड डिफॉल्ट गेटवे 192.168.10.10, ओके एंड यहाँ पे आईपी एड्रेस हमें 10.100 जो मैंने मैन्युअली बाइंड करा था, सो वो मुझे सेम यहाँ पे मिल गई आईपी एड्रेस, सो ये मेरे डीएससीपी का लैब था, ओके सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।